और धीरे धीरे बीजेपी के तो सारे मॉडल फेल हो रहे हैं। अब पहले 2000 का नोट लेकर के आए, अब 2000 का नोट बंद कर दिया, तो इनकी इकोनॉमिक्स किसी के समझ में ही नहीं आ रही। जिस बात को ये कहते हैं कि इससे काला धन खत्म होगा, उसको छोटे नोट को बड़े में परिवर्तन किया, अब बड़े को छोटे में कर दिया। तो जिस तरीके का ये गड़बड़ झाला है, कुछ लोगों की मदद करके देश को लूटने की साजिश है, वो अब धीरे धीरे लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है। देखिए, ये तो एक गांव ने घेरा है, जिस दिन पूरा हरियाणा निकल जाएगा, एक साथ घेरेगा, तब क्या होगा? तो सरकार तो घिरी पड़ी है, उसको घेरने वाले चाहिए। अभी सांठगांठ की राजनीति चल रही है हरियाणा में। सांठगांठ की राजनीति करने वालों ने 9 साल में जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको जेल में डालने का काम नहीं किया। जो जेल में जाने चाहिए थे, उन्होंने विपक्ष की आवाज़ मजबूती से नहीं निभाई। वो तो सरकार शेरो शायरी खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार के असली मुद्दे आम आदमी पार्टी आने वाले समय में उठाने का काम करेगी, एक्सपोज करेगी इस नेक्सस को भी, और इस हरियाणा को बचा करके हम लोगों को एक बेहतर आने वाले समय में सरकार दें, बेहतर नेतृत्व दें, इसके लिए पूरी आम आदमी पार्टी लग चुकी है। देखिए, वैसे तो ये पार्टी का विशेषाधिकार होता है, पार्टी की जो सर्वोच्च कमेटियाँ होती है, इलेक्शन कमेटी, आम आदमी पार्टी में PAC, उसका निर्णय होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि और लोगों को मौका देना चाहिए, जो वहाँ पर स्थानीय साथी हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, और उसके बाद जो भी पार्टी का फैसला है, मैं समझता हूँ कि वो सर्वमान्य सबके लिए होता है। बाकी मैं कार्यकर्ता हूँ आम आदमी की तरह, हमने पहले भी हमेशा राजनीति करी है और आज भी उसी पद चिन्हों पे चलते हुए हम प्रदेश की देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। हरियाणा की सरकार बनेगी, केंद्र की सरकार बनेगी, तो सबको पानी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा, पंजाब को भी मिलेगा, दिल्ली को भी मिलेगा, राजस्थान को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कल हमारी कमेटी गठित हुई, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कमेटी गठित होते ही लोगों को SYL की याद आ गई। ये जो पंजाब में दोनों पीछे अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलके थी, यहाँ 9 साल से उनकी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, प्रदेश में, वहाँ भी थी, यहाँ भी थी। तब देखिए, मैं तो भागीदारी, हमारा तो लिमिटेड रोल था, संगठन वाले हम लोग थे, और जब सही नेतृत्व का हरियाणा के अंदर सिस्टम बनेगा, सही नेतृत्व को लोग चुन करके भेजेंगे, केंद्र में चौथी पास राजा नहीं होगा, IIT का राजा होगा, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप ही परिवर्तन होगा, और SYL का पानी भी मिलेगा और नदियों का पानी भी आएगा। इंतजार तो ज़्यादा बचा नहीं, 1 साल का इंतजार है। जब आज तक 66 से लेकर के 2023 तक हमने 57 साल इंतजार कर लिया, तो 1 साल और इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि ये तो केंद्र का मामला है, केंद्र की सरकार ने करना है और वो कर नहीं रहे। केंद्र की सरकार चाहती तो पानी बहुत पहले आ जाता।